अस्सलाम वालेकुम चैनल बिस्मिल्लाह रसोई में आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल में पास्ता बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। इंडियन स्टाइल में पास्ता बनाने के लिए ये हमने लिया है 2 कप पास्ता, 2 मीडियम साइज के टमाटर की हमने प्यूरी बना ली है, 1 मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक कट कर लिया है, 1 पैकेट लिया हमने मैगी मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, 50 ग्राम ऑयल और टेस्ट के हिसाब से नमक। सबसे पहले हम पानी बॉईल करेंगे और उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल और अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता। ऑयल से हमारा पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं और अब हम इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ये हमारा पास्ता उबल चुका है, ये देखें आप। अब हम इसको ऐड कर देंगे ठंडे पानी में। ठंडे पानी में ऐड करने से पास्ता आपस में चिपकता नहीं है और खिला खिला रहता है। अब हम ठंडे पानी में से पास्ता को निकाल लेंगे। ये आप देख ही सकते हैं कि पास्ते का एक एक पीस अलग है, आपस में चिपके हुए नहीं है। चलिए अब हम पास्ता की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो प्यूरी। टोमेटो प्यूरी को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। टोमेटो प्यूरी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पास्ता को 2 मिनट तक चलाएंगे। पास्ता हम इंडियन स्टाइल में बना रहे हैं तो हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। पास्ता हमारा बनकर तैयार है, अब हम इसको करेंगे डिश आउट। हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ये रहा पास्ते का फाइनल लुक। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में एक नई और इजी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।